विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर के वार्षिकोत्सव में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। दर्जा राज्य मंत्री सचिन बिष्ट ने वार्षिक समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज में व्याप्त समस्याओं के निदान को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री से वार्ता कर उनकी निदान का भरोसा दिलाया। मैं अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय विक्टर मोहन जोशी जी के स्मृति में बनाई राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर जो हमारा विद्यालय है, इसका आज वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है। और निश्चित रूप से वार्षिकोत्सव कार्यक्रम किसी भी विद्यालय की जो वार्षिक रूपरेखा होती है, वार्षिक जो गतिविधियां होती है, उनका प्रदर्शन होता है। मैं विद्यालय परिवार को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई दूंगा कि उनके द्वारा निरंतर इस क्षेत्र में जो हमारी राजकीय शिक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत करने का काम करा जा रहा है। और यहाँ के जो हमारे जो विद्वान प्रधानाचार्य हैं आदरणीय दीपचंद जोशी जी, निश्चित रूप से बहुत मेहनती प्रधानाचार्य हैं, उनके नेतृत्व में हमारा विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः विद्यालय परिवार को दूंगा कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं और निरंतर इसमें जारी रहे। और इस विद्यालय की जो अन्य मांगें कुछ दी हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री के से अनुरोध भी करूंगा क्योंकि विद्यालय में इनके द्वारा एक अच्छा हॉल का यहाँ निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करके सुंदर विद्यालय को बनाने का भी प्रयास हमारे द्वारा किया जाए। विद्यालय के प्रधानाचार्य दीप चंद्र जोशी ने सभी का स्वागत करते हुए विद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत की तथा समस्याओं से मुख्य अतिथि को अवगत कराया। आज विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर का वार्षिक समारोह वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय श्री शिव सिंह बिस्ट जी, माननीय उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद हमारे बीच उपस्थित है। इसमें वर्ष भर जो छात्र छात्राओं की उपलब्धियाँ रही हैं उनको यहाँ पर सम्मानित करना है, जो हमारे टॉपर्स हैं उनको सम्मानित करना है, विभिन्न शैक्षणिक शिक्षणेत्तर गतिविधियों में जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया है उनको यहाँ सम्मानित करेंगे। बच्चों के लिए ये बहुत ही यादगार पल होते हैं। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम रंगारंग का अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और वर्ष भर के कार्यक्रम जो हमारे हुए उसकी आंखें यहां पड़ी जा रही है। सभी अभिभावक यहां पर उपस्थित हैं, सभी बच्चे इसमें उत्साह से प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं सभी अभिभावकों का और अतिथियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर बच्चों ने कहा कि उन्हें वार्षिक समारोह का साल भर से इंतजार रहता है। मेरा नाम गुड्डी आर्या है, मैं विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर की छात्रा कक्षा 9th की छात्रा हूँ। आज हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव हुआ है, इसमें अतिथि गण भी आए हैं और उनका हार्दिक स्वागत करूँगी मैं। और यहाँ हमने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इधर। और यहाँ पे मुख्य अतिथि शिव सिंह बिष्ट जी हैं और यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम भी हो रहे हैं। विद्यालय में वार्षिक उत्सव आयोजन कराया गया है और हमारे विद्यालय के छात्र काफ़ी प्रोग्राम के साथ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे विद्यालय गत वर्ष विद्यालय के छात्रों द्वारा गत वर्ष काफ़ी उमदा प्रदर्शन रहा है और आगे को भी करते रहेंगे। जैसे कि आज हमारा वार्षिक समारोह है, ये हमेशा होता है और ये बस हमें मनोरंजन के लिए नहीं और एक्टिविटीज़ के लिए भी मोटिवेट करता है। और जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं और अदर टीचर हैं वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं हर किसी चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए, गेम्स के लिए, हर किसी। हमारे वहाँ बहुत बच्चे बहुत आगे तक जाते हैं, ये सर हमारे टीचर्स वगैरह हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। ये प्रोग्राम केवल और केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, ये प्रोग्राम इसलिए कंडक्ट कराया जाता है ताकि इनके गार्जियंस को बुला के इनको ये बताया जाता है कि साल भर में आपके विद्यार्थियों ने या आपके छात्र छात्राओं ने क्या प्रदर्शन किया है। ये ना केवल एक को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ से हटकर ये इस चीज़ को भी प्रदर्शित करता है कि विद्यालय आगे क्या क्या उन्नतियाँ कर सकता है, क्या क्या स्कीम्स बना सकता है, या इससे पहले जो स्कीम्स बन चुकी हैं वो कितनी उन्नति कर रही हैं। उसके साथ साथ हमारे जो विद्यालय के जो शिक्षकगण हैं, जो प्रधानाचार्य जी
जी हैं वो सभी बच्चों को मोटिवेट करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप जो जितने भी को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आपके सांस्कृतिक संबंधित हो या खेल संबंधित हो, NCC या NSS संबंधित हो, इन सब को करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।